कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत गुरुद्वारे की, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर के गुरुद्वारे की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर भी शुरू है। लेकिन इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर पहुंचे और गुरुद्वारे में इस वक्त मौजूद है। मिलने गया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आप कार्यक्रम कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में कार्यक्रम हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रामलला मंदिर है जहाँ पे 1200 नॉन सिख लोगों ने गुरु तेग बहादुर साहब का कार्यक्रम देखा था तो वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। मैं आपसे दो छोटी छोटी बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। नंबर एक चीज, और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुंदन इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा पहुंचे हैं। इसके बाद के अगर कार्यक्रम की बात करें तो कुंदन, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इसके बाद का जो सीधा कार्यक्रम है वो जो यहाँ पर कानपुर में बीजेपी का ऑफिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये आएंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बूथ लेवल के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं और उस बूथ में जो पूरे इस 6 जिले के आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे यहाँ पे इकट्ठा होंगे। और ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा आज कल गोरखपुर में थे और कानपुर में उन्नाव, कानपुर देहात और ये फतेहपुर सीकरी के 9 जिलों का जो पूरा प्रभार है वहाँ से जो बूथ लेवल के वॉलंटियर्स आए हैं उनको लेके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल कुंदन, और इस वक्त जो गुरुद्वारे की तस्वीर हम कानपुर से देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर अरदास का कार्यक्रम रखा गया है खास तौर पर? अमूमन जो भी बीजेपी के बड़े नेता अगर किसी शहर में जाते हैं तो कोई खास विशेष धार्मिक स्थल है, कल जैसे हमने देखा कि कुंदन रुकिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। सर अशोक जी, अशोक जी, अरे आप हटो, आप बीच में अरे रिंकू जी इधर, हरजीत सिंह जी आ जाए, वो भी सरोपाल साहब में डाल दें और ये जो भी सम्मान है ये सब परमिंदर जी भी आ जाए, जो चीज है ये जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके। जो 100 रुपए का कार्यक्रम में आ चुका है वो पीछे आता जाए बड़े प्यार से। जसविंदर जी भी आ जाए और 100 रुपए डाल के अपना सब पीछे अपना स्थान साथ साथ ग्रहण करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी केशव मौर्या जी को भी सम्मान। चलो ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगा। अब सब लोग बैठ जाएं और जिसके लिए हम बड़े आतुर थे, मैं आए हुए सभी अध्यक्षों को कहूंगा कि सम्मान से बैठ जाएं और आदरणीय जिनको सुनने के लिए जसविंदर सिंह जी इधर आ जाओ, सब लोग आए, अब आपके अपने स्थान पर बैठ जाए। इसी के साथ ही भोले सिंह जी भी हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन नीलमा कटियाल जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय का अभाव है क्योंकि आगे के कार्यक्रम में मैं सीधा ही मंच के सम्मान पूर्वक नेता जी से कहूंगा कि आए और अपने विचार रखें और बहुत संयम से आप लोग सुने। सब लोग बैठ जाए। गुरु के घर में सब सम्मान है, राजा रंग एक सम्मान। चलिए बैठ जाओ। सभी बोलेंगे वाहेगुरु का खालसा।
हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रभारी श्री राधा मोहन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सांसद भोले सिंह जी, महेश त्रिवेदी जी हमारे विधायक, हमारे अपने इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए सभी संतगण, हमारे सभी ज्ञानी पुरुष, हमारी बहन और मंत्री बहन कल्याण जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा नामदेव जी के चरणों में और इस गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जब तक बाबा की इच्छा ना हो तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं कानपुर आया तो योगी जी के साथ सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, ये अपने आप में हम सब लोग को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है उसको जो गुरु जी ने जिन्होंने मराठी में भी, जिन्होंने पंजाबी में भी, गुरुमुखी में भी और जिन्होंने अन्य भाषाओं में रचनाएं की, हिंदी में भी रचना की, ऐसे गुरु नामदेव जी के प्रति मैं शीश झुकाते हुए अपने साथियों के साथ ये अर्चना करता हूँ कि मुझे और मेरे सभी साथियों को और समाज में सही दृष्टि देने की ताकत दें और हम सब लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़े। बोले वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मित्रों, गुरु के चरणों में हम आए हैं और गुरु से हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय में नहीं रखना चाहता, लेकिन गुरु से संबंधित और हमारे गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित विषयों को जरूर मैं रखना चाहता हूँ। वैसे अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया है, मैं गौरव के साथ। चाहे वो
हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन करके सिख भाइयों को जो सुविधा देनी थी उसका विषय हो, फिर चाहे वो हरमंदिर साहब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलेशन एक्ट के तहत कंट्रीब्यूशन करने का अधिकार देने का सवाल हो, उसके प्रति जो मोदी जी ने नियमों में परिवर्तन करके सारी दुनिया से हरमंदिर साहब को जो जो अर्चना मिलती है उसको एक सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए उसका योगदान हो, फिर चाहे लंगर पर से जीएसटी उठाने का सवाल हो, फिर चाहे वो ब्लैकलिस्ट के नामों